तीन दिनों के झारखंड प्रवास पर आए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के कमरे में आग लगने की खबर आई है। घटना झारखंड के प्लामू सर्किट हाउस में हुई, जहां लालू यादव ठहरे हुए थे। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कमरे में दीवार पर टंगे पंखे में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिससे वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि जिस समय लालू के कमरे में आग लगी, उस समय लालू डाइनिंग हॉल में अखबार पढ़ रहे थे। आग लगने की सूचना पर आनन फानन में तुरंत सर्किट हाउस के कर्मचारियों ने मोर्चा संभाल लिया। बिजली का कनेक्शन काटकर वहां स्थिति संभाली गई। बता दें कि लालू प्रसाद यादव बीते दिन ही बिहार से झारखंड पहुंचे हैं। यहां वे प्लामू की अदालत में उनके खिलाफ चल रहे आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में 8 जून को हाजिर होंगे। यह मामला चुनाव प्रचार के दौरान सभा स्थल पर बिना इजाजत के हेलीकॉप्टर उतारने का है। इस मामले में कोर्ट ने लालू को हाजिर करने के लिए आखिरी नोटिस दिया था।